हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप यूट्यूब के लिए एक अच्छा सा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना होगा पिक्सल लैब। पिक्सल लैब सर्च करने के बाद आपको पिक्सल लैब ऐप डाउनलोड करना होगा। इसी के मदद से हम अपना थंबनेल बनाएंगे। मैंने पहले इसे इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको सिंपली थंबनेल बनाने के लिए ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इमेज साइज सिलेक्ट कर लेना। इमेज साइज में आप कस्टम पे क्लिक करें और स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, आप कुछ भी बना सकते हैं। हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करें और कर दें ओके। ओके करने के बाद आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं जिसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं जैसे इसी ले लेता हूँ इनर को। उसके बाद न्यू टेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको टेक्स्ट ऐड करना है। इसके लिए आप नीचे साइड बार में देख रहे होंगे कि ए लिखा है। ए पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्लस टेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एडिट पे क्लिक करिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी थंबनेल जिस भी टॉपिक पे बनाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट। उसके बाद इसको कर देते हैं बीच में। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद इसको करेंगे ओके। उसके बाद कलर, कलर में करेंगे ब्लैक ओके। उसके बाद जाएंगे फॉन्ट, फॉन्ट में कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे फॉन्ट्स इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा आप कस्टम फॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ चंक 5 ओके। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें आप कर्व कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी इसका लगा सकते हैं। मैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड लगा देता हूँ। टेक्स्ट का बैकग्राउंड मैं रेड लगा देता हूँ और इधर से कर देता हूँ ऐसे। ऐसे करने के बाद इसको कर देते हैं ओके। आप लाइन स्पेसिंग कुछ भी, लेटर के बीच स्पेसिंग, वर्ड के बीच स्पेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, लेटर के बीच वर्ड पे सिलेक्ट करेंगे, वर्ड के बीच स्पेसिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको कर देते हैं ओके। फिर से हमें टेक्स्ट ऐड करना है, एडिट पे क्लिक करेंगे, ये तो ओके रहने देंगे। फिर हमें न्यू टेक्स्ट ऐड करना है तो प्लस के आइकन पे ऊपर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर करेंगे एडिट। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। हम लिखेंगे जीमेल अकाउंट। यहाँ पर मेरा पर्पज बस आपको ये सिखाना है कि आप थंबनेल कैसे बनाएंगे ओके। ये करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ बीच में। मैं इसका साइज थोड़ा करता हूँ बड़ा। बड़ा करने के बाद कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद पोजीशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कलर पे जाता हूँ, वाइट कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ ओके। उसके बाद मैं फॉन्ट पे जाता हूँ, फॉन्ट पे ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ ओके कर देता हूँ। करने के बाद मैं बैकग्राउंड पे जाके इनेबल पे करके कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकता हूँ। तो मैं इधर से ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐसे। उसके बाद कर देंगे ओके। अगर आप इसमें इमेज सिलेक्ट डालना चाहते हैं तो इमेज डाल दीजिए। इमेज डालने के लिए आपके वो सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और करना है फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी करने के बाद जो भी इमेज चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपने चैनल का लोगो ही ले लेता हूँ। लोगो लेने के लिए डन कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे साइज पूछेगा, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद कहीं पर भी लगा देते हैं। लगाने के बाद ये हो गया हमारा थंबनेल तैयार। हम लोगों को लगा चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट इमेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सिलेक्ट कर लेना है।
सेव टू गैलरी करेंगे, आपका थंबनेल तैयार हो जाएगा। हम इन्हें इसे कर देते हैं सेव टू गैलरी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें।